यार ये ले तुम्हारी चाबी, थैंक यू तूने मेरी हेल्प की। वैसे यार एक बात बोलूं, मैं आज भी उन बातों को ना याद करके बहुत पछताता हूँ कि मैंने तुझसे दुश्मनी की ही क्यों थी। अरे छोड़ना भाई, वो सब तो पुरानी बातें थी, अब तुम साथ है ना। सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। 6 महीने पहले आपके पिताजी ने गाड़ी लिया था, इसका अमाउंट पे नहीं करने के कारण हमें यह गाड़ी जब्त करना होगा। ऐसे कैसे ले जाओगे आप? जहाँ तक मुझे पता है पापा ने तो सारी ई एम आई अच्छे से भरी है। देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको शक हो रहा है तो अपने फादर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वेट कीजिए 5 मिनट। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। जिस नंबर देखिए सर, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमें और भी काम है, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। अरे यार छोड़ो, जाने दो, हम लोग कुछ ना कुछ उपाय लगा लेंगे। अरे ऐसे कैसे यार, चलो इसकी बाइक उठाओ। छट मेरे माया करके वफाया न छट मेरे माया, हो जाना मैं ता चोर है, हो जाना मैं ता चोर। पापा पापा यहाँ ही रावा मैं। क्या बात है बेटा? आप मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास पैसे नहीं थे तो क्यों दिलाई आपने मुझे बाइक? बेटा मैं कुछ समझा नहीं। वाह, भोले तो ऐसे बन रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ये एमआई वाले आए थे, ले गए वो बाइक। क्या? पर मैंने तो सारी एमआई टाइम पे भरी थी। वाह क्या बात है, और कोई बहाना नहीं मिला आपको? बहाना बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो। बेटा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सारी एमआई टाइम पे भरी है। समीर तुम ही बताओ, मैंने सारी एमआई समय पर भरी है या नहीं? हाँ भैया, पापा ने सारी एमआई ठीक से भरी है। तो वो लोग कौन थे? किशन मैं समझ गया, किसी ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके तुम्हारी बाइक चोरी की है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम विश्वास करो या ना करो, जो होना था वो तो हो गया। तो हम लोग वापस कैसे लाएंगे बाइक? मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जो हमारी हेल्प करेगा, चलो उनके पास चलते हैं। ठीक है। यार ये कितना लेट करेंगे यार, वो देख आ गए। सर यही है वो जिसके बारे में हम बताए थे आपको। देखो काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन बताओ। सर का कहना ये है कि इसमें इनका क्या फायदा होगा? फायदा? कैसा फायदा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या यार, कैसा आदमी है, इसको समझाओ जरा। यार ये सब तो पैसे मांग रहे हैं। पैसा? किस चीज का पैसा? और सर आप लोगों का तो काम है ना हमारी मदद करना। एक तो पहले ही मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, और सर मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मतलब सर आपके जैसे ऑफिसर्स के कारण ना हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आपने जो अभी बात कही है ना वो मैं आपके सीनियर से आके कंप्लेन करूंगा। जिसको बोलना है बोल दो। धमकी किसे दे रहा? ज्यादा हीरो बनोगे ना कोई केस लगा के अंदर कर देंगे, और काटते रहना कोर्ट पे चक्कर। चल निकल। चल यार चलते यहाँ से। मेहर करूं मेरे मालिक सच्चे बादशाह, ए दुनिया दा इको
खरा रीत रिवाज न जानू बस दिल से तुझे ही मानू रीत रिवाज न जानू बस दिल से तुझे ही मानू सां विच वसाले में सच्चे पादशाह तेथों दूर न जावा कदे मैं सच्चे पादशाह मेहर करो मेरे मालिक सच्चे पादशाह ऐ दुनिया दा इको तू। हेलो अबे सुन तेरी बाइक हमारे पास है मैं लोकेशन तुझे भेज रहा हूँ जल्दी से आ जा नहीं तो तेरी बाइक तुझे कभी नहीं मिल पाएगी। मेरी बाइक को कुछ मत करना मैं तुरंत आ रहा हूँ चल भाई बैठ बैठ। ठीक है तू मेरी बाइक लेके जा मुझे कुछ काम है मैं तुरंत आता हूँ। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बिंजो। यार गाइस आप यहाँ पे गेम खेल के पैसे कमा सकते हो क्योंकि यहाँ है क्रिकेट लूडो स्नेक रस फ्री सेल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। तो जाओ जाकर खेलो और जीतो और डायरेक्ट विड्रॉ करो अपने बैंक अकाउंट UPI या फिर पेटीएम के थ्रू। सिर्फ गेमिंग ही नहीं गाइस आप यहाँ पे जाके आप शॉपिंग भी कर सकते हो विंजो स्टोर पर जहाँ पर आपको बड़े बड़े गेम्स एसफॉल्ट माइनक्राफ्ट फ्री फायर जैसे गेम्स के करेंसीज भी मिलेंगे बहुत सस्ते और कम दाम में और पाओ डिस्काउंट कूपन बिग बाजार मिंत्रा हॉटस्टार डोमिनोज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स। और इतना ही नहीं गाइस रोजाना स्पिन करो विंजो स्पिनर को और 10 दिन का लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो स्मार्टफोन और बाइक। तो अब इतना कुछ है विंजो ऐप पर गाइस तो जाओ जाकर डाउनलोड करो ऐप को और पैसे कमाओ। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होता है आगे। तो मेरी बाइक है आखिर तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है मुझसे क्यों चुराई तुमने मेरी बाइक। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। क्या ब्रो अरे देखो तुमको क्या लगा था इतना जल्दी भूल जाएंगे। नहीं ब्रो ये दुश्मनी जो है ना बहुत कुत्ती चीज़ है जो एक बार हो जाती है ना तो जब तक उसका बदला ना ले लें मन को शांति नहीं मिलती है। डॉक्टर अब कैसी है उसकी तबीयत? चोट तो अच्छी खासी थी और बहुत जल्दी ये रिकवर भी हो रहे हैं और जहाँ तक संभावना है एक दो दिन के अंदर ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। अरे भैया पापा भैया ठीक हो गए। भैया कैसे हैं आप अब कैसा लग रहा है? बेटा तुम ठीक तो हो ना अब कैसा लग रहा है? आप लोग कौन है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? आई थिंक इनकी याददाश्त जा चुकी है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जाकर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लो और आ गाइस वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो यार लाइक करो वीडियो को यार उसे रीच मिलती है वीडियो आगे जाती है। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए मिलता रहूंगा मैं। जय हिंद जय भारत।